Today, there are global voices saying this century is India's century. It is your century, the century of India's youth. There are global surveys saying majority of the big investors want to invest in India. These investors want to invest in you. India's youth, Indian startups are getting record investments. Many global companies are setting up manufacturing plants to make in India. From toys to tourism, defense to digital, India is making headlines across the world. So, this is a historic time. वेन ऑप्टिमिज्मिटी आर कमिंग टूगेदर साथियों हमारे देश में हमेशा से नारी शक्ति को और नारी शक्ति ने राष्ट्र शक्ति को जागरूक रखने राष्ट्र शक्ति को बढ़ाने का काम किया है अब आजादी के समृद्ध काल में महिलाएं हमारी बेटियां और नए नए पराक्रम करके दिखा रही है भारत की महिलाएं आज फाइटर जेट्स उड़ा रही है सेना में कॉम्बेटिव रोल्स में शामिल हो रही है साइंस टेक्नोलॉजी स्पेस स्पोर्ट्स ऐसे हर क्षेत्र में हमारी बेटियां बुलंदियां छू रही है ये उद्घोष है कि भारत अब पूरी शक्ति से अपने लक्ष्यांकों की ओर बढ़ रहा है साथियों हमें इक्कीसवीं सदी को भारत की सदी बनाना है और इसलिए ये जरूरी है कि हम वर्तमान से दस कदम आगे की सोचें हमारी सोच फ्यूचरिस्टिक हो हमारी अप्रोच फ्यूचरिस्टिक हो ये जरूरी है कि युवा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आप पॉजिटिव डिसेप्शन करें विश्व के आधुनिक देशों से भी आगे चले अगर हम याद करें आज से 10-20 वर्ष पूर्व ऐसी कितनी ही चीजें अस्तित्व में भी नहीं थी जो आज हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है इसी तरह आने वाले कुछ वर्षों में संभवतः ये दशक खत्म होने से पहले पहले हमारी दुनिया एकदम बदलने वाली है